गाइस रक्षित सिंह हाउस यू ऑल, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। आई होप आपने कल वाला व्लॉग देख लिया होगा जिसमें हम हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह गए थे, और अगर नहीं देखा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना, या फिर मोस्ट रिसेंटली अपलोड जो होगा उसमें देख लेना जाके, ठीक है? पीछे व्यू चेक करो यार, तुम ये देखो, पीछे देखो उधर स्टेडियम, क्या सनसेट है भाई। मतलब ऐसा सनसेट मैंने आज तक तो देखा नहीं। सनसेट मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये व्लॉग शाम को शूट हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हरिद्वार से आए, अब ऊपर जा रहे हैं। पूरा व्लॉग देखना, एंड तक देखना, एक भी सीन मिस मत करना, बहुत कड़ा व्लॉग होने वाला है। स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, ठीक है? एक बार चेक करो भाई, सनसेट देखो यार, ऐसा सनसेट मिल जाए। इधर अपने सब दर्द होना, ठीक है? और गाइस जहाँ पे हम रुक रखे ना, मतलब थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, तो ये उसका सेकंड फ्लोर है, मतलब नीचे वाला। ये देखो वहाँ से, तो भाई उधर बारात चढ़ रही है, उधर कहीं तो दिखा दो कहाँ चढ़ रही है। यहीं बारात चढ़ रही है, नहीं बारात कहाँ चढ़ रही है, ये रही, यहाँ बारात चढ़ रही है, यहाँ तक आवाज आ रही है। सो गाइस अभी तो व्लॉग शुरू हुआ है, और शुरू में इतना अच्छा व्यू दिख रहा है, आप देख सकते हो, तो व्लॉग के एंड तक जरूर बने रहना, बहुत बढ़िया व्लॉग होने वाला है। अभी अक्षत भैया कहाँ हो, बाहर को तो आओ, मुझे दिखाओ चॉयलेट, कॉफी पी के चॉयलेट लग गई। सो गाइज अब यहाँ से मात्र 400 मीटर बच रहा है, पर 400 मीटर में भी इतना टाइम दिखा रहा है कि मतलब कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि बहुत जाम लग रहा है पीछे। मतलब सामने तुम देख सकते हो, इधर सामने गाड़ियाँ चल रही हैं लाइन से, ऊपर तक लाइन लग रही है, और पीछे देख सकते हो मसूरी के, मतलब आ चुके हम, दिख रहा होगा, ये देखो ये आ गया, ये मेन अपना मसूरी है, और बस पहुँच चुके हैं गाइज। थोड़ा सा टाइम और लग रहा है, वहाँ पर जाके होटल वगैरह देखेंगे, फिर आपसे बात करता हूँ। सो गाइज हमें कम से कम 20 मिनट हो गए हैं और 400 मीटर कंप्लीट नहीं हो पाया। अब भी भीड़ देख लो ऊपर, देख रहे हो, वो जलने की बाहर से आ रही है, अपनी नहीं है वो, बाहर से नॉर्मली आ रही है। तो गाइज 400 मीटर भी नहीं हो पाया, कितने मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा हो गए, और अब भी एंटर नहीं हुए, और ज़्यादा हो गया, 20 मिनट से भी ज़्यादा हो गया, अब भी एंटर नहीं हुए, थोड़ा सा और बचा, और शायद इधर गुरुद्वारा है, हाँ गुरुद्वारा देख लो, और वहाँ पर हो रहा है जाम खत्म, वहाँ पर मतलब यहाँ से शुरू हो जाएगा, पुलिस वाले खड़े हैं, थोड़ी देर चेकिंग हो रही है। दिखाऊं तो मैं, देखो क्या सीन हुआ, गाड़ी की हालत देखो एक बार, ठीक है? एक बार पूरी कंडीशन देखो ना, इधर के टायर इधर बाहर निकाल रखे हैं, तुम पूरी कंडीशन देखो भाई, पूरी गाड़ी खोल दी है यहाँ से, यहाँ से क्लिच प्लेट जो है इसकी ख़राब हो गई है, जो कि यार दिखाऊँ यार तुम्हें, बिल्कुल मूड ऑफ हो रखा है। ये सब निकलेगा, वो सब निकल चुका है, मतलब आधा सामान निकल चुका है, बैटरी वैटरी सब निकल गई है। अब बहुत गलत सीन हो गया, क्योंकि भाई यहाँ पर अधिकतर सारी गाड़ियों का ऐसे, एक वो पीछे खड़ी है देखो, वो जीप कंपास है, उसकी भी यही हालत है। इधर एक क्रेटा खड़ी है, ये भी मेरे सामने ठीक हुई है, उधर टीवी खड़ी है, वो ठीक हो रही है, उधर देख सकते हो आप, उधर एक स्कॉर्पियो है, मतलब सबके यही हाल हो रखे हैं। सो गाइज आई होप आपने अभी क्लिप्स देखी जो मैंने अभी आपको शेयर करी है बीच में, कि गाड़ी में से कैसे धुआं निकल रहा है भाई, बहुत बुरा सीन हो चुका है। मतलब ये मान लो मसूरी आती इतना ट्रैफिक था, तो ट्रैफिक में बताऊँ क्या रहता है, मतलब ये जो गाड़ियाँ होती हैं इनमें क्लिच वगैरह होते हैं, जो मैनुअल गाड़ियाँ होती हैं, तो वो ऊपर ढलान पे चढ़ती हैं, तो क्लिच बार बार दबाने पड़ते हैं, तो मेरी गाड़ी की क्लिच प्लेट ख़राब हो चुकी है, मतलब पूरी फेल हो चुकी है। और जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये यहाँ की पार्किंग है, ऊपर देख सकते हो भाई पार्किंग, भाई यहाँ पर तो बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो S11 के भी सिस्टम हैंग हो रखे हैं, ये तो फिर भी अपनी प्यारी सी स्विफ्ट है। खैर इस बात को करते हैं साइड में, हो गई ख़राब हो गई, अब ठीक भी हो रही है, मूड ऑफ हो गया भाई काफ़ी, बहुत जितने खुश थे ना, जितने खुश थे उतने उससे ज़्यादा अब दुखी हो गए, क्योंकि यार अपनी गाड़ी है उसके साथ ऐसा हो गया। चलो छोड़ो, अभी ये बार बार सोचेंगे दिमाग में तो वही बात रह जाएगी। अब मैं आगे की बात बताता हूँ, तो गाइस हम सुबह निकले थे, ये मान लो 6 बजे के आसपास, नाश्ता वास्ता करके, और तब से किसी ने कुछ भी नहीं खाया, बस आवाज़ बैठ रखी है क्योंकि बाहर आ रखे हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक कोई कुछ नहीं देखता, जितनी ठंडी पी ली तो इस वजह से आवाज़ बैठ गई। एक गुड न्यूज़, होटल जो है बिल्कुल जस्ट बगल में, होटल का रूम इतना प्यारा है ना भाई, रूम टूर दूंगा अभी होटल का, देखना कितना प्यारा रूम है, बहुत प्यारा रूम है, उसी हिसाब के पैसे भी हैं। चलो पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ये गाड़ी चेक करो फाइनली, अब टाइम देख रहे हो, टाइम लगाता हूँ, टाइम देखो 12:04, फाइनली गाड़ी पूरी ठीक हो चुकी है वापस से,
फाइनली गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट, रात के बज रहे हैं 12 और ये है अपना होटल। तो मैं रूम टूर भी करवा देता हूँ, देखते नीचे चल के कोई सोया नहीं हो तब, ठीक है। यहाँ से अपनी एंट्री है, उधर से भी एंट्री है, यहाँ से चल रहा है फालतू। लेट्स गो, आ जाओ। तो भाई थोड़ा सा रिंग दे लो होटल का, ऐसा है जी सामने। अरे लिफ्ट इधर है, अरे लिफ्ट इधर है, लिफ्ट पीछे आ गया है, लिफ्ट का साइड। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। ठंड बहुत हो रही है इस वजह से ऐसे घूम रहे हैं। चलो गया पे, और ये है कुछ एंट्रेंस है, और ये चल नहीं रहा अभी यहाँ से, बटन वगैरह। 12:10 हो रहे हैं, आओ चलो बाहर, चलो हमें यहाँ से बाहर जाना है। चलो 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 बाहर, चलो 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 इसमें से। हाँ नीचे भाई बहुत अलग बना रखा है उन्होंने, ये देख सकते हो आप। हाँ इधर इसमें चलो, नहीं नहीं नीचे था, नीचे था, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। 500 3 इधर देखना, 3 है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। तो भाई यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है अपना होटल, ये देखो ये सब अपने, इधर देख सकते हो। और अपना रूम है इधर जाके। सो गाइस अभी मैं आ गया अपने रूम में, 12:30 के आसपास हो रहे हैं। मैंने सोचा रूम टूर करूँगा पर रूम टूर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सब लोग सो रहे हैं। सुबह उठ के रूम टूर की एक वीडियो बना के इसमें डाल दूँगा ब्लॉग के एंड में, आप लोग देख लेना। क्योंकि अभी बनाऊँगा, लाइट जलाऊँगा, सब उठ जाएंगे, सब थके हुए हैं, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हम भी 4 घंटे से गाड़ियों में लगे हुए हैं तो इस वजह से मैं भी थक गया हूँ। 8 बजे आ गए थे और 12 बजे आए हैं गाड़ी ठीक करवा के। कल उठेंगे, मसूरी करेंगे एक्सप्लोर, माल रोड वगैरह जो भी है सब घूम के आएंगे। 9 बजे के आसपास चेक इन करा और सुबह 11 बजे खाली करना है। इतने की इन्होंने 6,000 रुपये ले लिए। तो गाइस अपना रूम टूर जो है करते हैं शुरू। यहाँ पे वॉशरूम है घुसते ही, ठीक है। ये अपना शीशा इतना क्यारा था, देख सकते हो, ये कौन देख लो, ये अपना शीशा है, ये यहाँ पे तुम खा के निकाल सकते हो। और ये हो गया अपना शॉवर वगैरह, हटियो यहाँ पे बंसी हो रहा तैयार। ये एक मिरर मिल जाता है साइड, एक मिरर मिल जाता है एंटर करते ही आपको। इधर अलमीरा वगैरह हो गई, वो जाग रहे हैं अक्षित भैया वहाँ से। और भाई यहाँ से तुम बैठ दो, ये हो गया बैठ शुरू। अक्षित यार वो खोल दो यार, पढ़ दे। अभी एक पीछे चीज़ दिखाऊँ कैडी सी, यहाँ से तुम व्यू देख सकते हो। ये बाहर बालकनी का व्यू है, वो तुम्हें दिखाएंगे अभी। यहाँ बैठ के चाय पानी है, चाय पी ली, चाय और दारू भी। गाइस इधर देखो यार, ये देखो, ये चीज़ हर्ष बेनीवाल जो है उसकी आपने एक वीडियो में देखी होगी, उसने ऐसी रूम में अपनी ये शूट करी थी वीडियो। तो गाइस ऊपर चल के दिखाता हूँ ऊपर क्या है। ये सीढ़ियाँ अपनी, इन्हें चढ़ना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर गद्दा पड़ा हुआ है, यहाँ पर सोया था मैं, और नीचे वाले पे एक्सीट एंड वंसी। चलो ये भाई और कुछ नहीं है, तो चिपक के सो रहा है यार, ये रहा टीवी। अब दिखाते हैं बालकनी व्यू, चलो ये देखो भाई व्यू देखो, उधर क्या कैड़ा व्यू आ रहा बालकनी से। ये देखो ये देखो ये देखो, लंबे लंबे पहाड़, ठीक है। बाकी अपनी यही है बस, और कुछ नहीं भाई, ख़त्म कहानी रूम की। इतना सा रूम है अपना पर बहुत कड़ा। तो मिलते हैं इसके साथ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब जो कल अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, उसमें करेंगे मसूरी एक्सप्लोर। बाय बाय।